साधना जी निर्वाहन नहीं कर पा रहे हैं आप। चिरई तो फंस गई, मीठी बोली बोल के तो फंस गए, मीठी बोली बोल के चिड़ई तो फंस गई, मीठी बोली बोल के। आपने पक्षी से जवाब दिया, कहां से? पक्षी बता गए ऐसी बोली बोल के, पक्षी बता गए ऐसी बोली बोल के। आज चिड़ई फंस गई, करे आगाह देखो भेद सारा खोल के, पक्षी बता गए ऐसी बोली बोल के। क्या बात है, मंच पर जो आपसे हो सका निर्वाहन किया, कहना है। गमों की आंच में आंसू बाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। तुम्हारे दिल का दर्द जरूर कम होगा, मगर किसी गैर के पैर का काटा निकाल कर देखो। ये अरे आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, और कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। अरे पत्थर मुझे कहता रहा मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता रहा मेरा चाहने वाला, अरे मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। क्या बात है, आपकी तुम्हें जुर्म ढाने की आदत पड़ी है, तुम्हें जुर्म ढाने की आदत पड़ी है, और हमें चोट खाने की आदत पड़ी है। अरे छिड़क कर नमक मेरे घावों पर देखो, छिड़क कर नमक मेरे घावों पे देखो, अरे मुझे मुस्कुराने की आदत पड़ी है। क्या बात है, मैं वेदों की चोरी सबसे पहले खमसे में बताई थी, शायद याद नहीं रहा, और वही बता गए। क्या बात है साधना जी, गैया की चोरी हो गई, कहीं गौरा की चोरी हो गई, आपने चोरी देखा, लेकिन चार युगों में चोरियों का निर्वाहन है ये आपने ध्यान नहीं दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, चार युग में चोरियों का निर्वाहन है ये आपसे स्लिप हो गया, स्लिप अपना पोर्टल लॉक किया जाए। एक धुन आई, कौन से ओ क्या है, है कि कजरा वाली ऐसे
जी महाराज और प्रबुद्ध जन समुदाय कजरा वाली ऐसे रोऊं काहे का निहारे उल्फत मेरी जीती आनारी प्यारे कजरा वाली ऐसे तू काहे का निहारे आएगा ए मजा हम तू इतहार के कि हम तुम छोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां के हजूर अरे रे 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 बंधन है प्यार का हम तुम चोरी से बंधे एक चोरी से सही हो कहा से चोरी से बंधे एक चोरी से सही हो कहा। आपने विरोधाभास दिखाया है चूहे पर है बेटा चूहे पर है बेटा बाप सांप है डाले बाप सांप डाले हैं बेटा चूहे पे बैठे हैं बाप बैल पर बैठे हैं माता शेर पर संभाले हैं ये आपका विरोधाभास है अपनी तरफ से आइए जो बची खुची विषमताएं हैं उसको देने का प्रयास कर रहा हूं सुनिएगा स्वयं काम के दुश्मन बाबा जी आप सुनिए साधना जी तो निर्वाह करने के लिए हैं वो कर ही देंगे कुछ ना कुछ और भगवान श्याम भगवान शंकर के वैशिष्ट में जो वैषम्यताएं बची हैं उनको मैं परोस रहा हूं आदरणीय व्यास जी महाराज सुनेगा स्वयं काम के दुश्मन है संग कामिनी स्वयं काम के दुश्मन है संग कामिनी प्यार आधा नर का तन है आधे में है नारी आधा नर का तन है और आधे में नारी एक कान में कुंडल और एक कान में बाली माथे पे है अमृत तो कंठ में विष की काली कंठ में उन्होंने विष धारण कर रखा है जबकि माथे पर स्वयं सोमनाथ है चंद्रमा विराजमान है अमृत का खजाना है उनके पास ऐसा निकलता है जवाब त्रिपुरार है मदनार है नैनों में ज्वाल है त्रिपुरार है मदनार है और नैनों में ज्वाल है क्या
थे। कहीं अंगारे हैं, कहीं जलधारे हैं, कहीं अंगारे हैं। आंख में भगवान भोलेनाथ के एक तरफ ज्वाला बरस रही है, क्या बात तो है? कहीं गंगा उनके सर से बरस रही है, क्या बात है? एक आंख में भगवान भोलेनाथ की एक आंख चंद्रमा है जो शीतलता प्रदान करती है, और भगवान भोलेनाथ की एक आंख सूर्य सदृश सूर्य है, सूर्य का तेज उसमें से निकलता है जो अग्नि निकल रही है। और तीसरी ज्वाला उनके मस्तक में अग्नि निकाल रही है। कि नैनों में ज्वाल है, कहीं अंगारे हैं, एक नैना से ज्वाला, कहीं अंगारे हैं, कहीं जलधारे हैं, नैना है शिव के कमाल। तीन नैना, तीन प्रकार के, एक में चंद्रमा की शीतलता, एक में सूर्य की ताप, और तीसरे में अग्नि की ज्वाला। कि नैनों में ज्वाल है, कहीं अंगारे हैं, कहीं जलधारे हैं, नैना है शिव के कमाल। शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया गीत दिया साधना जी ने। ये आपके अकाट गीत का इधर से जवाब सुना आपने व्यास जी महाराज जी। कि हम तुम्हारे लिए हमारे लिए, क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है बेटा, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो, और जो तेरे प्यार का मिले आसरा, जो तेरे प्यार का मिले आसरा, फर्क क्या है कि कोई हमारा न हो, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, आपकी पंक्तियां आई। लीला ब्रज राज की उन रसिक राज की, रचना कैसी विषम रचाते मिले। अब ये आपकी पंक्तियां हैं, जवाब में आप सुने। आदरणीय व्यासी प्रबुद्ध श्रोता बंधु, कहना है कैसे हैं जादूगर, क्या बात है, कैसी जादूगर, मायापति की माया कोई जान नहीं पाया,
आदरणीय व्यासी महाराज, ऊपर वाला इतना बड़ा जादूगर है, उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। मायापत की माया नाच रही संसार में, क्या बात है। कैसे हैं जादूगर ओ कैसी जादूगरी, कैसे हैं जादूगर ओ कैसी जादूगरी, नाचते हैं मिले और नचाते हैं। कैसे हैं जादूगर ओ कैसी जादूगरी, आदरणीय व्यास जी महाराज ने जैसा कहा था कि अच्छे गीतों पर अच्छे सवाल होते हैं और अच्छे सवालों पर अच्छे जवाब होते हैं, क्या बात है? वो प्रत्यक्ष है यहाँ। सड़क छाप गीत गाओगे, सड़क छाप की मानसिकता से लिखे जाएंगे। एक राइटर की भावना होती है, उत्तर प्रदेश के महान राइटर मौजूद हैं, अच्छे बाबा सजीवन जी। अच्छे गीतों पर अच्छे सवाल होते हैं, नए गीतों पे खाली बवाल होते हैं। है ना? कैसे हैं जादूगर ओ कैसी जादूगरी, नाचते हैं मिले और नचाते मिले। कैसे हैं जादूगर कैसी जादूगरी, नाचते हैं और नचाते मिले। ये है मेहनत। भारी भरकम आशीर्वाद श्रद्धेय रामू रस्तोगी जी के माध्यम से जो इस संपूर्ण कार्यक्रम के संस्थापक हैं, आयोजक हैं, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपने तरजीह दी, तवज्जो दी जवाब की पंक्तियों पर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत आपने केवल पलने की बात की, पालने में पल रहे हैं, मैं तरने और तारने की बात कर रहा हूं। तर जाओ, ये है गाना बजाना भाई। ओ तारने वाले को है, तारने वाले को है तरनी में तरते देखा। साधना जी ताजा ताजा। तरने वाले को तरनी में है तरते देखा, मारने मारते देखा और स्वयं को मरते दे, मारते देखा और स्वयं को मरते देखा। तरने वाले को है तरनी में तरते देखा, मारते देखा और स्वयं को मरते देखा, स्वयं को मरते देखा, स्वयं को मरते देखा। कैसे लीलाधर, कैसे है लीलाधर खेल सब बाजीगर, कैसे है लीलाधर खेल सब बाजीगर। दुनिया के जितने बाजीगर हैं मायापति के आगे सब बेकार। कैसे है लीलाधर खेल सब बाजीगर। और आदरणीय व्यासी महाराज, पांव धोते मिले, क्या बात है, सुदामा के पैर प्रभु धो रहे हैं और यहाँ गंगा के घाट पर धुला रहे हैं। क्या बात, कैसे हैं लीलाधर खेल सब बाजीगर, पांव धोते मिले और धुलाते मिले। कैसे हैं लीलाधर खेल सब बाजीगर, पांव धोते मिले। अगला टुकड़ा जवाब के रूप में, आदरणीय साधना जी प्लीज लुक एट मी। क्या बात है। श्री हनुमान जी द्वापर में बने बंसी स्वयं,
श्री हनुमान जी द्वापर में बने बंसी स्वयं, पाद में पद्मों में अधरों पर छेड़ दे सरगम। हनुमान जी महाराज द्वापर युग में बंसी के रूप में आते हैं और बंसी बन करके श्याम सुंदर के होठों पर विराजमान हो जाते हैं। क्या थे श्री हनुमान जी द्वापर में बने बंसी स्वयं, पाद पद्मों में जो अधरों पे छेड़ते सरगम, पाद पद्मों में जो छेड़ते अधरों पे सरगम, छेड़ते सरगम। और सेव भी हैं प्रवर और सेवक सुधर, लोग उनकी सेवा करते हैं और वो भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ का जब अनुष्ठान हुआ द्वापर युग में, तो लोग खाना खा रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण पत्तल उठा रहे हैं। कहना है सेब भी है प्रवर और सेवक सुधर, सेब भी है प्रवर और सेवक सुधर, सेवा करते मिले क्या बात, सेवा करते मिले। सुदामा की चरणों को धुल रहे हैं, क्या बात, सेवा करते मिले और कराते मिले, सेवा करते मिले और कराते मिले, अंतिम बात आदरणीय सम्मान्य श्री बाबा जी और साधना जी, ओ जतिना पाति मिली भेदना भाव मिला, जातिना पाति मिली भेदना भाव मिला। भगवान के लिए ना कोई जाति है, ना भेद है, ना भाव है, सबके लिए समान उनके हृदय में प्यार है। जाति ना पाति मिली भेद ना भाव मिला, भीलनी बेर मधुर पान में प्रभाव मिला, भीलनी बेर में प्रभाव मिला, भगवान श्री रामचंद्र जी भिलनी के झूठे बेरों को खा रहे क्यों? रहीमन मोहिन सुहाए, अमीय पियावत मान बिनु, और जो विशु देत बुलाए तो प्रेम सहित मरिबो भलो। बहुत अच्छे। जाति ना पाति मिली भेद ना भाव मिला, भिलनी बेर मधुर पान में प्रभाव मिला, भिलनी बेर मधुर पान में प्रभाव मिला, भिलनी बेर मधुर पान में प्रभाव मिला, प्रभाव मिला, हाँ प्रभाव मिला। भक्ति में ना कसर, आदरणीय रामू रस्तोगी जी, भक्ति में ना कसर और भक्त में प्रभु असर, भक्ति में ना कसर भक्त में प्रभु असर, जूठन खाते मिले और काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। भक्ति में ना कसर भक्ति में प्रभु असर, जूठन खाते मिले और खिलाते मिले, जूठन खाते मिले और खिलाते मिले, और खिलाते मिले। ओ, 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 ओ,
कैसे हैं जादूगर और कैसी जादूगरी। सही समय पर सही सुझाव दिया जिससे कार्यक्रम में फिर से रौनक आ गई। नहीं तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बी पो 80-90 पूरे 100-100 मिला के धागा। आदरणीय व्यास जी महाराज ने एक फरमाइश की थी, मैं क्षमा चाहूंगा, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है। नगावे अच्छा अच्छा हाँ लिखिए ठीक। कटपीस में मैं वही सुना दूंगा और मैं गीत एक सुना रहा हूं। आदरणीय व्यास जी महाराज प्रबुद्ध श्रोता बंधु, एक करबद्ध आग्रह है, स्थान खाली है, सा आसन आप लोग आगे आ जाएंगे, आनंद आ जाएगा। आप सभी लोग सामने आ जाएंगे, बहुत सुंदर होगा। आप लोग ऐसे जहां आसन है आप बैठ जाइए, नजदीक आ जाओ, थोड़ा आसन का आराम हो जाए। दूर होकर न करो बात, करीब आ जाओ। आदरणीय साधना जी, एक बहुत प्यारी धुन है क्या, और मुझे भी अच्छी लगती है इसलिए दे रहा हूं। क्या बात, बाबा जी और चाचा जी, गीत के बोल हैं कि मेरे दिल ने तुझको चाहा। क्या बात है, क्या बात है। रामूजी, प्लीज लुक एट मी, इधर की तरफ मुखातिब हो जाइए, मैं बहुत बढ़िया गीत दे रहा हूं, आनंद आएगा निश्चित रूप से। मेरे दिल ने तुझको चाहा, इसमें मेरी खता क्या, माना खता है लेकिन, माना खता है लेकिन, इतनी तो ना सजा दे, माना खता है लेकिन, इतनी तो ना सजा दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ
लेकिन आप ये 10 मिनट आप हमको दे दीजिए, बस जवाबी होना अलग चीज है, आप केवल गीत को सुन लीजिए, पूरी रात की थकावट उतर जाएगी। ओ भैया साउंड ऑपरेटर सुनेगा, सर बन गया शिकारी। प्रसंग है राजा दशरथ आखेत के बहाने जंगल में जाते हैं और ये समझकर कि कोई हिरण सरोवर में पानी पी रहा है, सरिता में पानी पी रहा है, वो बाण शब्द वेदी छोड़ देते हैं। श्रवण कुमार उससे आहत होकर के उसका प्राणांत हो जाता है। जब प्राण निकल रहे हैं दशरथ महाराज पहुंचते हैं श्रवण के पास। श्रवण ने कहा, मेरे माता पिता, मैं तो अब परम धाम को जा रहा हूँ, मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप जल ले जाकर के उन्हें पिला देना। क्या बात है। बस जब जल लेकर के श्रवण जा श्रवण थे जल लेकर जाते हैं राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास में, तो वो पदचाप से अंधी अंधे पहचान जाते हैं और कहते हैं, मैं ये जल नहीं पी सकता, तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है, जब श्रवण जल लेकर आएगा तब मैं जल पीऊंगा, अन्यथा मैं जल नहीं पीऊंगा। अब श्रवण कहां से आएगा, क्योंकि श्रवण की तो हत्या हो चुकी है, राजा दशरथ ने कर दी है। भैया वॉल्यूम थोड़ा इसका बढ़ा तो हो सके, कहना है। राजा दशरथ विचार कर रहे हैं, मैं श्रवण कहां से लाऊं, हाथ में उनके जल है और वो व्याकुल खड़े हैं अंधी अंधों के पास में, कोई उत्तर नहीं है, सोच रहे हैं। सर बन गया शिकारी, मेरा बाण ही तो शिकारी बन गया। सर बन गया शिकारी, श्रवण कहां से लाऊं, श्रापित हुआ है जल। दूसरी समस्या, जो हाथ में जल है वो श्रापित हो गया है, धरती पे डालना चाहते हैं धरती मना कर देती है, पर्वतों पे ले जाते हैं पहाड़ों पे ले जाते हैं, लेकिन उस जल को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। लिए लिए हाथ में जल, वो भटक रहे हैं राजा दशरथ, कहना है। सर बन गया शिकारी, श्रवण कहां से लाऊं, श्रापित हुआ है जल, श्रापित हुआ है ये जल, और जाकर कहां बहाऊं, सर बन गया शिकारी, श्रवण कहां से लाऊं, समस्या। वो जल हाथ में लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन कोई उस जल को स्वीकार करने वाला नहीं। राजा दशरथ विचार कर रहे हैं, सरयू के तीर मैंने सरयू के तीर मैंने आहट पे बाण मारा, सरयू के तीर मैंने आहट पे बाण मारा, और क्या हुआ, माता पिता थे अंधे, अंधों का नयन तारा, अंधों का नयन तारा, अंधों का नयन तारा, हारा
हूँ जिंदगी से, हारा हूँ जिंदगी से, जाऊं तो कहाँ जाऊं, सर बन गया शिकारी, सर बन कहाँ से लाऊं, सर बन गया शिकारी, सर बन कहाँ से लाऊं, अगला टुकड़ा सुनिएगा भैया साउंड ऑपरेटर। दशरथ जी विचार कर रहे हैं आदरणीय रस्तोगी जी, यक बाण से मरा है, क्या बात है, क्या बात है, हत्या तो मेरे बाण ने की, शरवण तो मेरे बाणों से मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन जब मैंने आकर के सूचना दी, अंधी अंधों को सूचना जब दी, उन्होंने जब ये जाना कि मेरा इकलौता पुत्र बुढ़ापे का सहारा, आंखों का तारा मार डाला गया है, तो उस पुत्र वियोग में दोनों अंधी अंधे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। यक बाण से मरा है, दो पानी से मरे है, दो पानी से मरे है, दो पानी से मरे है, एक बाण से मर गया और दूसरा दो व्यक्तियों की हत्या मेरे वचनों से हो गई। कैसी घड़ी निगोड़ी, कैसी निगोड़ी, कैसी घड़ी निगोड़ी, ने पाप घट भरे है, ने पाप घट भरे है, ने पाप घट भरे है। याद आनिए हमारे भैया श्रद्धेय रामू रस्तोगी जी के माध्यम से, क्या बात है, ये अनगिनत मुद्राएं और ये पुष्पहार का सम्मान प्रदान किया गया है, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं आपको। गीत की पंक्तियां आप सुने कृपया, माला और माल साथ में है तभी तो माला माल है, हाँ माला और माल, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी घड़ी निगोड़ी, ने पाप घट भरे है, ने पाप घट भरे है, ने पाप घट भरे है, मुझसे हुई है हत्या, मुझसे हुई है हत्या, और किसको मैं मुंह दिखाऊं, अब मैं कहां जाऊं, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण पुत्र मेरे हाथों से मारा गया, मुझसे हुई है हत्या, और मैं किसको ये मुंह दिखाऊं, क्यों, सर बन गया शिकारी, सर बन कहां से लाऊं, ओ सर बन गया शिकारी, सर बन कहां से लाऊं, रस्तोगी जी हमारे व्यास जी महाराज, अंतिम पंक्तियां प्रदान कर रहा हूं आपके चरणों में, क्या बात, सुनेगा, वो जल अब भी हाथ में है और कोई उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, एक समस्या कि उसको आखिर फेंके कहां, विचार कर रहे हैं, मैं शब्द वेदी फन का, क्या बात है, शब्द वेदी फन का माहिर गया बखाना, माहिर गया बखाना, माहिर गया बखाना, शब्द वेदी बाण चलाने में इतना मैं पारंगत था
कि मेरी कुशलता पर कोई शक नहीं कर सकता था। लेकिन मैं शब्द वेदी फन का माहिर गया बखाना और सैलानी आज चूका साधा हुआ निशाना साधा हुआ निशाना साधा हुआ निशाना। एक तर्क आदरणीय व्यासी, शब्द वेदी बाण की प्रमाणिकता यह है कि जहां से शब्द हो रहा है बाण वहां जाना चाहिए। लेकिन श्रवण की छाती में बाण क्यों लग गए? सैलानी आज चूका साधा हुआ निशाना साधा हुआ निशाना साधा हुआ निशाना। धरती ने जकड़ रखा धरती ने जकड़ रखा कैसे मैं पग बढ़ाऊं? कोई जल कोई स्वीकार करने वाला नहीं है, कहां फेंक दूं इसको? समस्या है, वो जल लिए लिए न जाने कहां कहां गए और कहां फेंका विचार करने की बात। पांव नहीं बढ़ते हैं आगे। धरती ने जकड़ रखा कैसे मैं पग बढ़ाऊं और सर बन गया शिकारी सरवन कहाँ से लाऊं? सर बन गया शिकारी सरवन कहाँ से लाऊं? सर बन गया शिकारी सरवन कहाँ से लाऊं? मैं कोई शंका नहीं डालना चाहता हूँ। हाँ, प्रबुद्ध समाज बैठा हुआ है, को श्रापित जल था, कोई उसको स्वीकार करने वाला नहीं था। महाराज दशरथ ले जाते हैं और कुरुक्षेत्र का जहां सीमा है उस कुरुक्षेत्र के मैदान में उसको फेंक देते हैं और द्वापर युग में वही महाभारत का अखाड़ा होता है। क्या खोज है गुरु? सर बन गया शिकारी सरवन कहाँ से लाऊं? ओ सर बन गया शिकारी सरवन कहाँ से लाऊं? सर बन दुर्गा मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, आशीर्वाद है व्यासी महाराज। चूंकि ये जवाबी में इंफेक्शन हो गया, कथाएं विलुप्त तो हो रही हैं, केवल प्रलाप व्यर्थ का प्रलाप, सच्चा आनंद तो अब खत्म हो रहा है। वोट पहले पर था बक्सा तो बाद में बदले जा। आदरणीय व्यास जी महाराज ने एक धुन दी थी, भी अभी फरमाइश की थी। क्या बात है, कि ये रेशमी जुल्फे जुल्फे ये शरबतिया के साधना जी ध्यान दीजिए, ये रेशमी जुल्फे ये शरबतिया के इन्हें देख कर जी रहे हैं सब, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
जी महाराज, ये आपका पावन दरबार है, आप इसमें ध्यान लगाएं। दो पंक्तियां हम दे रहे हैं, सुनिएगा। ये पहाड़ और झांकी, क्या बात है, राम रस्तोगी जी, आप साहब की तरफ से 21 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान किया गया है, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपकी तरफ से फरमाइश भी आई है, पर्चे पर लिख करके फरमाइश दीजिए। ये आप दरबार में ध्यान लगाएं, वहां की मैं बात दे रहा हूं। ये पहाड़ और झांकी, जन जन ने इसे झांकी। इस क्षेत्र में कोई ऐसा होगा जो इस दरबार को झांकने ना आया हो। आदरणीय रस्तोगी जी के यत्नों से, प्रयत्नों से इतना बढ़िया आयोजन हुआ है। कह रहे हैं, ये पहाड़ और झांकी, जन जन ने इसे झांकी। जिसे देख कर नारी, नर है खुशी आकी। ये पहाड़ और झांकी, जन जन ने इसे झांकी। और जिसे देख कर नारी, नर है खुशी। जय हो। सारे नारी नर इस क्षेत्र के जिन्होंने इस दरबार का दर्शन किया है वो प्रसन्न है। जिसे देख कर नारी नर है खुशी। झांकी मन की आंखी, मन में जो आकलन किया उसी के अनुरूप झांकी में दर्शन हुआ दरबार में। झांकी मन की आंखी, बाकी बाकी मां की। बाकी माने सुंदर, मां की झांकी से सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। अब किसी को सुरपड़खा सुंदर दिखाई दे तो उसमें मेरा क्या दोष है? चश्मा पावर कम है इसलिए अपनी अपनी आंखी। झांकी मन की आंखी, बाकी बाकी मां की। जिसे देख कर नारी नर है खुशी। जिसे देख कर नारी नर है खुशी। धन्यवाद भैया। नाम सुशील कुमार। सुशील कुमार, सुशील कुमार जी के कर कमलों के माध्यम से 20 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान किया गया है, मैं बार बार प्रणाम करता हूं और मां भगवती से याचना करता हूं। इसी तरह आप सबों की धर्म में अनुरक्ति बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।